प्रधानमंत्री ने बोला है सीधे सीधे कि फ्यूज्ड भी कंफ्यूज्ड भी ऐसे नेताओं पर कैसे करें लोग भरोसा। लेकिन इधर राहुल गांधी कहते हैं कि मल्टी स्टारर फिल्म दिल्ली में चल रही है जिसका उन्होंने नाम कहा है, क्या नाम रखा है राजीव त्यागी जी? देखिए ये सरकार जो है ना, हाँ, दगाबाजी, हवाबाजी, कलाबाजी, जुमलेबाजी, झूठ और निश्चित रूप से जुमलों की सरकार है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे 2014 के चुनाव में, आज तक कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि नाम लेने में आपको संकोच हो रहा है। संकोच की बात नहीं है, मैं तो आपको भी लगता होगा ना कि मेरा नेता कैसे नाम रख रहा है। देखिए राहुल गांधी ने क्या नाम रखा है सर फिल्म का, मुद्दों की बात करता हूं। संकोच हो रहा है, मुद्दों की बात करता हूं। अरे ट्वीट करके लिखा है, ट्वीट पढ़ लीजिए अपने अध्यक्ष का। मुद्दों की बात करता हूं, मतलब राजीव त्यागी जी को चिंता है प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की चिंता है। कंप्लीट कर दूं, प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ मैं पूछना चाहूंगा मध्य प्रदेश में जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, नाम क्या है? महिलाओं परिवार, बेरोजगारी बेशुमार, कुपोषण की भरमार, किसानों की छाती पे गोली मार, छोटे व्यापारी बेजार, उद्योगों पर ताले हजार और विकास का बंटाधार। जिस तरह से शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास का बंटाधार किया है और छाती पे गोली मारी है किसानों की, जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। 8 बजे राज तिलक में शिवराज को फरिया लेंगे। मोदी जी पर आइए ना, अभी तो 6 से 7 टक्कर चल रहा है। क्या बात करूं, देखिए मोदी जी पे बात करने के लिए, नाम बताइए, मोदी जी पे बात करने के लिए मेरे पास इंडिया टुडे है। नाम बताइए ना, मैं बता रहा हूँ फिल्म का नाम क्या है। राहुल गांधी ने फिल्म का नाम क्या रखा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, राजीव त्यागी जी को संकोच हो रहा है। इंडिया टुडे छापती है, राजीव त्यागी जी को संकोच हो रहा है, जो कि आपके ही ग्रुप की है, आपके ग्रुप की है, या आपके ग्रुप ने छापा है। मोदी सरकार की शान में कसीदे पड़े गए हैं कि किस तरह से मोदी सरकार ने देश के आर्थिक हालात बदतर कर दिए हैं, किस तरह से देश के किसान को परेशान कर दिया है और छाती पे गोली मारी है, किस तरह से देश के नौजवान को बेरोजगार कर दिया है, किस तरह से देश के महिलाओं पर वार हो रहा है, किस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है और किस तरह से महंगाई की मार से महिलाएं परेशान है। क्राइम थ्रिलर का नाम क्या है राजीव त्यागी जी? आप खाना बनाते हैं, क्राइम थ्रिलर का नाम क्या है राजीव त्यागी जी? 414 रुपए का सिलेंडर, 414 रुपए का सिलेंडर 968 का हो गया। तो अंजना जी महिलाएं पीड़ित हैं, महिलाएं पीड़ित है महंगाई से। क्राइम थ्रिलर का नाम क्या है? थ्रिलर का नाम कुछ भी हो लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोबाइल निकाली है। मैं निको निकालू मोबाइल, आपको पता है कि नहीं? ये सब बात दोबारा बताइए, आप बता दीजिए ना, यहीं पर छोड़ देते हैं, आप बता दीजिए, हमने तो पैकेज में दिखा दिया, आप बता दीजिए ना, संकोच आपको हो रहा है। आप गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं? आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आप गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं? गांधी तो संकोच नहीं कर रहे हैं। चीनी का क्या दाम है, तेल का क्या दाम है, गैस का क्या दाम है, मुद्दे पर घेरिए, पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, पेट्रोल डीजल बताइए, पेट्रोल डीजल कंफ्यूज्ड। त्यागी जी एक सेकंड, ये जो फ्यूज महंगाई की मार त्यागी जी अब की बार कांग्रेस सरकार, नारा भी चुरा लीजिएगा, नारा भी गया उधर, अब की बार कांग्रेस सरकार। अब ये सब लोग नहीं सुनेंगे, ये लोग नहीं सुनेंगे संबित पात्रा। लोग अभी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, नारे पूरे हो जाए अब इनको तो राज तिलक में शामिल करेंगे। राज तिलक में थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए चौकीदार। अब की बार कांग्रेस सरकार। अब मैं जवाब देता हूं, 8 बजे सर अभी वहां माइक नहीं है तो आवाज नहीं जाएगी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज 8 बजे जब राजतिलक करेंगे आप लोगों को शामिल करेंगे। अंजना जी देखिए राजीव जी ने क्या कंफ्यूज, मैं बताता हूँ। पहली बात तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, राजीव जी ने फिल्म का नाम नहीं बताया, मैं आज पिक्चर का नाम बता देता हूँ। पिक्चर का नाम है चौकीदार। पिक्चर का नाम है चौकीदार। राजीव जी मैं आपको सुन रहा था, पिक्चर का नाम है चौकीदार। राजीव जी सुन रहा था, सुनिए आपकी पिछली सरकार के लिए किया ना इस सरकार के लिए करेंगे, शब्दों की मर्यादा महत्वपूर्ण है राजीव त्यागी जी। को हालत है कांग्रेस की, देखिए मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए ये बोल ले, पूरा पागल पर पूरा कर ले प्लीज सर प्लीज, बीच में नहीं। देखिए कांग्रेस के पिक्चर का नाम है थग्स ऑफ हिंदुस्तान और ये जो परिवार है नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी,
ये है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। मुद्दों की कौन है थग्स ऑफ हिंदुस्तान? पहला थग ऑफ हिंदुस्तान जवाहरलाल नेहरू, दूसरा थग ऑफ हिंदुस्तान इंदिरा गांधी, तीसरा थग ऑफ हिंदुस्तान राजीव गांधी, चौथा थग ऑफ हिंदुस्तान सोनिया गांधी, पांचवा थग ऑफ हिंदुस्तान सोनिया गांधी। ये अभी कह रहे थे चौकीदार, मैं कहता हूं डकैत कौन है बताओ? ये गांधी परिवार डकैत है, डकैत है कि नहीं? मैं बोलूं गांधी परिवार डकैत है। ये क्या भाषा है? डकैत है गांधी परिवार। गांधी परिवार डकैत है, डकैतों की परिवार है ये। चौकीदार, ये यहाँ चौकीदार लगा रहे थे, मैंने भी डकैत चौकीदार 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 पप्पू चौकीदार पप्पू चौकीदार पप्पू यहाँ यहाँ पप्पू चौकीदार पप्पू। अब बताओ भाई संबित पात्रा, अब बताओ भाई संबित पात्रा, देखो अब बताओ भाई संबित पात्रा पप्पू, अब बताओ भाई संबित चौकीदार पप्पू चौकीदार शो ही नहीं हो पाएगा, चौकीदार शो ही नहीं हो पाएगा, चौकीदार शो नहीं हो पाएगा, चौकीदार 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 पप्पू 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 पप्पू। चौकीदार 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 आपकी बार आपकी बार आपकी बार आपकी बार कांग्रेस सरकार आपकी बार कांग्रेस सरकार आपकी बार व्यापम घोटाले नीचे चलिए नीचे चलिए नीचे चलिए नीचे चलिए।